बड़े बड़े बल्लेबाजों के पैरों के नीचे से जो खिसका दे जमी, बड़े बड़े बल्लेबाजों के पैरों के नीचे से जो खिसका दे जमी, नाम है उसका मोहम्मद शमी। जी हां, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा, लेकर हाजिर हूं क्रिकेटर्स की अनसुनी कहानियों का एक और एपिसोड। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा मोहम्मद शमी की अनसुनी कहानियां। वो मोहम्मद शमी जो है तो यूपी के लेकिन खेलते बंगाल से हैं, जिनकी गेंदबाजी में कब्रिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। कब्रिस्तान नहीं होता तो मोहम्मद शमी आज टीम इंडिया में नहीं होते। ऐसी बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं मोहम्मद शमी के बारे में, जो आज मैं अपने इस एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूं, जो और कहीं आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ न्यूज 24 में ही आपको देखने को मिलेंगी। बहुत रिसर्च करके मैं अनसुनी कहानियां ये लेकर आया हूं, तो आखिर तक देखिएगा मोहम्मद शमी की अनसुनी कहानी। तीन बार सुसाइड करने का मन किया मोहम्मद शमी, जो आज अपनी रफ्तार से क्रिकेट के मैदान पर तूफान लाते हैं। कभी उनकी निजी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया था जिसकी वजह से वो इतना डिप्रेस्ड हो गए थे कि उनका तीन बार सुसाइड करने का मन किया था। ये बात खुद शमी ने रोहित शर्मा के साथ ऑनलाइन चैट में कही थी। आप भी सुनिए वो पूरी बातचीत। मतलब मैं अपनी क्रिकेट खो देता, मेरे दिमाग में तो आप यकीन करो, आप कोई माने ना माने, मैंने तीन बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। अरे बाप रे, अरे यार, उस लेवल का स्ट्रेस हो गया था दिमाग में बहुत ज्यादा। मतलब क्रिकेट के बारे में सोच ही नहीं रहा था। मेरे रूम के अंदर मेरे घर वाले पहरा लगा देते ये कुछ गलत ना कर ले। दरअसल शमी की निजी जिंदगी में कुछ ऐसा उतार चढ़ाव आ रहा था जिसकी वजह से उन्होंने तीन बार सुसाइड करने का उनका मन किया। उनकी निजी जिंदगी में उनकी पत्नी ने उन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, जिन संगीन आरोपों की वजह से शमी इतना डिप्रेशन में चले गए थे कि तीन बार उनका सुसाइड करने का मन किया, जैसा कि उन्होंने रोहित शर्मा के साथ बात में बताया। कब्रिस्तान ने बनाया घातक गेंदबाज। शमी की रफ्तार ने बहुत कम उम्र में ही उनके आसपास के गांव में लोकप्रिय उन्हें बना दिया था। वो स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आकर्षण होते थे। गांव में उनके घर के पीछे कब्रिस्तान है और इसी कब्रिस्तान की खाली जमीन शमी के लिए पहला मैदान बनी। शमी ने यही पिच बनाई और गेंदबाजी का अभ्यास करने लगे। बचपन में शमी टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे। टेनिस की गेंद से भी उनकी रफ्तार बल्लेबाजों में खौफ पैदा करती थी। किसान परिवार में पैदा हुए थे शमी। 3 सितंबर 1990 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में किसान परिवार में पैदा हुए मोहम्मद शमी के पिता तौसीफ अली एक किसान थे। तौसीफ खुद एक अच्छे तेज गेंदबाज थे। शमी के तीन भाई और एक बहन भी हैं। शमी को प्यार से वो लोग सिमी कहते हैं। शमी को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। वो घर के आंगन में, छत पर, बाहर खाली पड़ी जमीन में गेंदबाजी करने लगते थे। शमी अहमद से कैसे बने मोहम्मद शमी। शमी ने जब टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था तब उनका नाम शमी अहमद था, लेकिन अपने पहले टेस्ट मैच से कुछ दिनों पहले ही उन्होंने बताया कि उनका नाम मोहम्मद शमी है, जिसके बाद से उनका नाम टीम इंडिया में भी मोहम्मद शमी कर दिया गया। कोच बदरुद्दीन नहीं होते तो शायद शमी भी नहीं होते। शमी के पिता तौसीफ शमी के अंदर के क्रिकेटर को भांप चुके थे, इसीलिए वो खुद शमी को उनके घर से लगभग 22 किलोमीटर दूर मुरादाबाद लेकर गए और वहां कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी के सानिध्य में भेज दिया। बदरुद्दीन शमी की गेंदबाजी से काफी प्रभावित हुए, जिसके बाद उन्होंने शमी को एक वर्ल्ड क्लास तेज गेंदबाज बना दिया। निकनेम, बहुत कम लोगों को पता है कि शमी को प्यार से टीम इंडिया के खिलाड़ी लाला जी कहकर बुलाते हैं, यानी कि शमी का निकनेम लाला है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को बंगाल से क्यों खेलना पड़ा। शमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन यूपी का होने के बावजूद शमी कभी यूपी की टीम से क्रिकेट नहीं खेल पाए, वो बंगाल से खेले। जानते हैं क्यों? क्योंकि यूपी में उनके साथ वो हो गया जो एक वक्त पर हर आम क्रिकेटर के साथ होता था। मैंने जब शमी को सिर्फ 15 साल की उम्र में नेट्स पर गेंदबाजी करते देखा तभी मुझे एहसास हो गया था कि ये लड़का बाकियों से अलग है, ये आम खिलाड़ी नहीं है। फिर मैंने उसे ट्रेनिंग देना शुरू किया। एक साल तक मैंने उसे यूपी के ट्रायल के लिए ट्रेनिंग दी। वो बहुत मेहनती और समय का पक्का था। उसने ट्रेनिंग एक दिन के लिए भी मिस नहीं की। अंडर 19 ट्रायल में उसने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन खेल में गंदी राजनीति के चलते वहां उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उन्होंने मुझे शमी को फिर एक साल बाद लाने को कहा, लेकिन मैं ठान चुका था
कि शमी का एक और साल बर्बाद नहीं होने दूंगा, इसीलिए मैंने उसे बंगाल से खेलने का सुझाव दिया और उसे कोलकाता भेज दिया। शमी ने वहां डलहौजी एथलेटिक क्लब ज्वाइन किया, जहां बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के असिस्टेंट सचिव देव बत्रा दास की नजर शमी पर पड़ी। वो शमी की गेंदबाजी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। जब सेलेक्टर ने शमी के लिए खोल दिए घर के दरवाजे, शमी की शानदार गेंदबाजी देखते हुए देव बत्रा दास ने शमी को टाउन क्लब, जो कि उनका खुद का क्लब था, वहां से खेलने का ऑफर दिया और उन्हें 75,000 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा। यहां तक कि शमी के पास बंगाल में रहने को घर नहीं था, तो दास ने शमी को अपने घर पर रखा। हालांकि इन सब के बावजूद शमी अंडर 22 बंगाल टीम में उस वक्त सेलेक्ट नहीं हो पाए। सेलेक्शन न होने के बाद भी हुए सेलेक्ट। जब शमी का सिलेक्शन बंगाल अंडर 22 टीम में नहीं हुआ, तो देवबत्रा दास ने समरवन बैनर्जी, जो कि बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के एक सेलेक्टर थे, उनसे शमी की गेंदबाजी को एक बार देखने को कहा। दास ने शमी को बैनर्जी के सामने गेंदबाजी कराई, जिसके बाद बैनर्जी शमी की गेंदबाजी से इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने शमी को बंगाल की अंडर 22 टीम में शामिल कर लिया। जब गांगुली ने कहा, ये स्पेशल है, इसका ख्याल रखना। देव बत्रा दास बताते हैं कि शमी कभी पैसे की चाहत के पीछे नहीं भागे, शमी को सिर्फ खेलना था। दास ने शमी को मोहन बागान क्लब से खेलने के लिए भेजा, वहां पर शमी को सौरभ गांगुली को गेंदबाजी करने का मौका मिला। शमी ने सौरभ गांगुली के सामने इतनी धारदार गेंदबाजी की कि गांगुली ने फिर मैनेजमेंट से कहा कि ये खिलाड़ी स्पेशल है, इसका ख्याल रखना। 2013 में भारतीय टीम में एंट्री। मोहम्मद शमी टीम इंडिया के लिए चयनित होने से पहले पश्चिम बंगाल की ओर से रणजी क्रिकेट खेलते थे। सिर्फ 15 फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद ही जनवरी 2013 में उनका चयन टीम इंडिया में हो गया। 6 जनवरी 2013 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर शमी ने अपना पहला वनडे मैच खेला था। टूटे घुटने से वर्ल्ड कप में मचाया कहर। 2015 वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कराया गया था। इस दौरान जब शमी को भारतीय टीम में जगह मिली, तब वो अपने घुटने की चोट से परेशान चल रहे थे। उस दौरान डॉक्टर उनके घुटने से फ्लूइड निकाला करते थे। इसके अलावा दर्द ज्यादा बढ़ जाने के बाद वो हर दिन 2 से 3 पेन किलर खाया करते थे। लेकिन लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर शमी ने 2015 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में अपनी दस्तक दी। उस वर्ल्ड कप में उन्होंने भारत की ओर से 7 मैचों में कुल 17 विकेट अपने नाम किए। वो उमेश यादव के बाद उस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाज थे। पहले ही टेस्ट में काटा गदर। सचिन की ऐतिहासिक विदाई सीरीज से शमी ने टेस्ट का आगाज किया। कोलकाता के ईडन गार्डन पर अपने पहले टेस्ट में 9 विकेट लेकर उन्होंने अपनी रफ्तार का लोहा मनवाया था। शमी ने इस पारी में 47 रन देकर 5 विकेट लिए थे और वो पहले ही टेस्ट में 5 विकेट लेने वाले 8वें भारतीय गेंदबाज बने थे। सबसे तेज 100 वनडे विकेट। मोहम्मद शमी के नाम भारत की ओर से वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट चटकाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने ये कारनामा सिर्फ 56 वनडे मैचों में किया। इस लिस्ट में इसके अलावा जसप्रीत बुमराह का नाम आता है, जिन्होंने 57 मैचों में 100 विकेट चटकाने का कारनामा किया था। वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज हैं। उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार हैट्रिक ली थी। शमी की हसीन लव स्टोरी। मोहम्मद शमी की शादी मॉडल और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के लिए चीयर लीडर रह चुकी हसीन जहां से हुई है। दोनों के बीच पहली मुलाकात साल 2012 में आईपीएल के दौरान हुई थी। उस वक्त हसीन जहां मॉडलिंग में अपना करियर बना रही थी, जबकि मोहम्मद शमी टीम इंडिया में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 2 साल के अफेयर के बाद दोनों ने 6 जून 2014 को अपने घर वालों की रजामंदी से लव मैरिज की थी। लेकिन इस शादी के लिए हसीन जहां को अपने मॉडलिंग करियर को छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद 2015 में दोनों को एक बेटी भी हुई। बेटी का नाम आयरा शमी है। तस्वीरों पर मचा बवाल। शमी हसीन की शादी के बाद कई विवाद खड़े हुए। शमी ने एक बार बीवी हसीन के साथ अपनी फोटो शेयर की तो इस्लामिक कट्टरपंथियों ने यह कहते हुए उस पर आपत्ति जताई कि उन्होंने बुर्का नहीं पहना। हालांकि मोहम्मद शमी पर इस विरोध का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने ये कहते हुए विरोधियों को जवाब दिया कि ये मेरी निजी जिंदगी है और ये मेरी जीवन साथी है।
मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्या करना है क्या नहीं। हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि हम कितने अच्छे हैं। कॉन्ट्रोवर्सीज। शमी की जिंदगी में विवाद भी कई रहे हैं। 9 मार्च 2018 को शमी और उनके परिवार के खिलाफ शमी की पत्नी ने घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का आरोप लगाकर FIR दर्ज करवा दी थी। हसीन जहां ने उन पर जान से मारने की कोशिश जैसा संगीन आरोप भी लगाया था, जिसकी वजह से काफी वक्त तक BCCI ने शमी के साथ सालाना करार भी रोक दिया था। जिसके बाद 22 मार्च 2018 को BCCI की एंटी करप्शन यूनिट ने उनके खिलाफ लगे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया था और उनका कॉन्ट्रैक्ट वापस शुरू कर दिया था। शमी का IPL करियर। शमी को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2011 में अपने साथ एक रूकी प्लेयर के तौर पर जोड़ा था। फिर अगले 2 सालों तक KKR ने उन्हें रिटेन किया था। हालांकि शमी को अपना पहला मैच खेलने का मौका साल 2013 में मिला था। इसके बाद 2015 में शमी को दिल्ली डेयरडेविल्स ने 4.25 करोड़ रुपए में खरीद लिया। लगभग 3 साल के बाद साल 2018 में किंग्स इलेवन पंजाब ने शमी को अपने साथ जोड़ लिया, जिसके बाद से वो अभी तक किंग्स इलेवन पंजाब यानी कि पंजाब किंग्स में खेल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.